नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी आइलैंड में। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस के 3 नए लक्षणों के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के अब तक कुल 9 लक्षण थे, इसमें 3 और जुड़ गए हैं, भैंती नाक, उल्टी आना, दस्त। कोरोना संक्रमण की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा ऐसे भी मरीज हैं जिन्होंने पीठ दर्द महसूस किया और फिर टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कमर दर्द भी कोरोना का लक्षण। अगर आपकी कमर में तेज दर्द है, पेट में दर्द है, पैर की पिंडलियों में दर्द है या रेस पड़ गए हैं, तो ये भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। मुंबई के सीनियर डॉक्टर जलील पारकर पिछले दिनों कोरोना वायरस के मरीजों को देख रहे थे। उन्होंने करीब 200 मरीजों का इलाज किया, बाद में वह खुद कोरोना पॉजिटिव आए। जलील बताते हैं कि उन्होंने जिस लक्षण को सबसे पहले महसूस किया वह पीठ में दर्द ही था। 3 नए लक्षण भी जुड़े। कोरोना वायरस के अब तक वैसे 9 लक्षण बताए गए हैं, अब अमेरिकन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने इसमें 3 नए लक्षण भी जोड़े हैं। इसमें बहती नाक, धीमा चलना या उल्टी आना और दस्त शामिल है। अब तक बताए गए हैं 9 लक्षण। कोरोना वायरस के इससे पहले तक सिर्फ 9 लक्षण बताए गए थे। इसमें बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में दिक्कत, थकान, बॉडी पेन, सिरदर्द, स्वाद या गंध का एहसास ना होना, गले में खराश शामिल थे। शुगर भी खतरे की घंटी। डॉक्टर बताते हैं कि इन दिनों उन्होंने ऐसे ऐसे मरीज देखे हैं जिनको पहले कभी डायबिटीज नहीं थी, लेकिन अब उनका शुगर लेवल 400 पार है। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना मरीज में शुगर लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।